दोस्तों नमस्कार ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज मैं अनुराग चौधरी दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट इसमें परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम के अनुरूप हम कुल तीस प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है तो आइए शुरू करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस है दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है ये कंप्यूटर जानकारी से संबंधित है प्रश्न है कि सी डी रोम का पूर्ण रूप क्या है या सी डी रोम का पूर्ण विस्तार क्या है ऑप्शन देख लेते हैं कोर डिस्क रीड ओनली मेमोरी कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी सर्कुलर डिस्क रीड ओनली मेमोरी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों सी डी रोम का पूर्ण विस्तार है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी दोस्तों देखिए कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी एक प्रकार का ऑप्टिकल डिस्क होता है और इस प्रकार की डिस्क पहले से ही मुद्रित होती है और उसमें जो आंकड़े संग्रहित होते हैं या स्टोरेज डेटा होता है उसको इरेज नहीं किया जा सकता यानी मिटाया नहीं जा सकता है और साथ ही इस प्रकार के डिस्क में कोई नया डेटा संग्रहित भी नहीं किया जा सकता है अगला प्रश्न भी कंप्यूटर साइंस से संबंधित है निम्नलिखित में से कौन सा डेटा हायरार्की का आरोही क्रम है आपको बताना है आरोही क्रम का मतलब ये है कि नीचे से ऊपर की ओर या घटते से बढ़ते हुए क्रम की ओर तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों देख लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सबसे छोटी इकाई कंप्यूटर डेटा की होती है बिट उसके ऊपर बाइट फिर फील्ड और रिकॉर्ड फाइल और उसके बाद डेटाबेस तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है डेटा हायरार्की का सही आरोही क्रम है बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड, फाइल और डेटाबेस अगला प्रश्न है कंप्यूटर से ही संबंधित है दोस्तों आप देख सकते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू किस मॉडल पर आधारित है आपको बताना है देखिए ऑप्शन आप है आपके लोकल सर्वर क्लाइंट सर्वर थ्री टीयर या इनमें से कोई नहीं तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आप बताइए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये और ये इंटरनेट और कंप्यूटर और इंटरनेट से संबंधित है डब्ल्यू 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 ये किस मॉडल पर आधारित है तो सही उत्तर है वर्ल्ड वाइड वेब जो है ये क्लाइंट सर्वर मॉडल पर आधारित है ऑप्शन आप बी आपका सही उत्तर है क्लाइंट सर्वर मॉडल में सामान्यतया सर्वर प्रोग्राम क्लाइंट प्रोग्राम से रिक्वेस्ट प्राप्त करता है और क्लाइंट को प्रतिक्रिया देता है अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें अनुसंधान की पद्धति का विस्तृत विवरण अपेक्षित है ये शोध अभियोग्यता यानी रिसर्च एप्टीट्यूड से संबंधित ये प्रश्न है कि किसमें अनुसंधान की पद्धति का विस्तृत विवरण अपेक्षित है पहला ऑप्शन है आपका शोध प्रबंध या लघु शोध प्रबंध संवादात्मक या संभाषण कार्यशाला संगोष्ठी पत्र अथवा लेख या सम्मेलन और संगोष्ठी पत्र तो सही उत्तर क्या हो जाएगा सही उत्तर है शोध प्रबंध अथवा लघु शोध प्रबंध और आप जान लीजिए दोस्तों शोध प्रबंध या लघु शोध प्रबंध जिसको डिसर्टेशन कहा जाता है इसमें अनुसंधान की पद्धति का विस्तृत या विस्तार पूर्वक विवरण अपेक्षित होता है सर्वेक्षण अथवा शोध के सभी निष्कर्ष वास्तविक तथ्यों या सूचनाओं पर आधारित होते हैं और शोध प्रबंध में इस बात का उल्लेख रहता है कि अध्ययन विषयों से संबंधित वास्तविक तथ्यों तथा सूचनाओं को किन पद्धतियों तथा प्रविधियों की सहायता से एकत्रित किया गया है और शोध प्रबंधन लिखने वाला इस बात का भी उल्लेख करता है कि अध्ययन में विषय या समस्या को किस दृष्टिकोण से देखा गया है और उस दृष्टिकोण से प्रयुक्त पद्धतियां और प्रविधियाँ ही क्यों सबसे उपयुक्त समझी गई हैं और साथ ही प्राथमिक और द्वितीयक तथ्यों के स्रोतों का संक्षिप्त परिचय देते हुए शोध प्रबंध की इस बात का भी उल्लेख किया जाता है कि उन शोधों से सूचना प्राप्त करने के लिए किन किन प्रविधियों को काम में लाया गया है अगला प्रश्न है अनुसंधान आचार का अनुसंधान की किन अवस्थाओं के साथ बहुधा प्रत्यक्ष संबंध होता है आपको बताना है ऑप्शन है अनुसंधान के क्षेत्र की परिभाषा और परिसीमन करना समस्या प्रतिपादन और अनुसंधान निष्कर्षों को प्रतिवेदित करना जनसंख्या को परिभाषित करना और अनुसंधान के लिए प्रतिदर्शन तकनीक के संबंध में निर्णय लेना या फिर सांख्यिकी तकनीकों और प्रदत्त विश्लेषण के बारे में निर्णय लेना तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनुसंधान आचार का अनुसंधान की जिन अवस्थाओं से संबंध होता है वो ये है समस्या प्रतिपादन और अनुसंधान निष्कर्षों को प्रतिवेदित करना और आप जान लीजिए दोस्तों ये आप जान लीजिए कि अनुसंधान नैतिकता जो रिसर्च एथिक्स होता है ये नैतिकता का वो क्षेत्र होता है जो वैज्ञानिक सिद्धांतों विशेष रूप से अनुसंधान के लिए नैतिक सिद्धांतों को लागू करने के लिए काम करता है और शोध में नैतिकता मुख्य रूप से उस चीज से संबंधित है कि क्या स्वीकार्य है और क्या अस्वीकार्य है तो ऑप्शन आप बी आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्न है चिंतन शिक्षण है समस्या केंद्रित अभ्यास केंद्रित साहचर्य बनाना या फिर विचारों का पुनरुत्पादन तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए समस्या केंद्रित दोस्तों चिंतन स्तर शिक्षण में सहायक अपने छात्रों में चिंतन तर्क तथा कल्पना शक्ति को बढ़ावा देता है ताकि छात्र स्मृति और जो बौद्धिक स्तर है उसके माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान कर सके और चिंतन स्तर पर शिक्षण समस्या केंद्रित होता है इस स्तर में अध्यापक बच्चों के सामने चुनौती या समस्या उत्पन्न करता है और बच्चों को उस स्तर पर स्वतंत्र चिंतन करने का समय देता है और इसमें बच्चों को में जो आलोचनात्मक और मौलिक चिंतन है धारणा उत्पन्न होती है अगला प्रश्न देखिए दोस्तों करंट अफेयर से है कि विश्व जल दिवस 2022 का मुख्य विषय क्या है तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों विश्व जल दिवस 2022 का मुख्य थीम है क्या आप बताइए भूजल अदृश्य को दृश्य बनाना ऑप्शन ए और आप जान लीजिए दोस्तों कि जो विश्व जल दिवस है 2022 इसका मुख्य विषय ग्राउंड वाटर मेकिंग इन विजबल बिजबल तो ये ऑप्शन आप ए आपका सही उत्तर हो गया और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रतिवर्ष दोस्तों 22 मार्च याद रखिएगा प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है अगला प्रश्न है दोस्तों शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022, किस शहर में आयोजित हुआ था शीतकालीन ओलंपिक 2022 के किस शहर में आयोजित हुआ था ऑप्शन है बीजिंग संघाई टोक्यो या फिर न्यूयॉर्क तो सही उत्तर हो जाएगा देखिए ऑप्शन ए बीजिंग दोस्तों शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का चौबीसवां संस्करण चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित हुआ था और बीजिंग पहला शहर है जिसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल और शीतकालीन ओलंपिक खेल दोनों की मेज़बानी की है अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों ये पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित है समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है वो क्या कहलाता है ऑप्शन है पारिस्थितिकी अनुक्रम -E सीयर गति की या जैव भार का पिरामिड तो सही उत्तर है सीयर -E देखिए ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है उसे सीयर -E यानी एस ई आर ई सीयर कहा जाता है अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है यहाँ पर आप देखिए कि ओजोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन बिल्कुल सही है ओजोन परत को नष्ट करने वाला पदार्थ सी एफ सी या क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है अम्ल वर्षा नाइट्रिक एसिड बिल्कुल अम्ल वर्षा जो है दोस्तों आप जान लीजिए कि अम्ल वर्षा के कारण में सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे अधिक योगदान होता है और ये नाइट्रिक एसिड का नहीं और दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो राकेट ईंधन ये राकेट ईंधन में कौन सा राकेट ईंधन में दोस्तों ये केरोसिन आयल और ग्रीन हाउस प्रभाव में कार्बन डाइऑक्साइड की भूमिका महत्वपूर्ण होती है तो अम्ल वर्षा में आप जान लीजिए दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड डैश टू एस ओ फोर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की महत्वपूर्ण भूमिका होती है नाइट्रिक एसिड की भूमिका नहीं होती है इसमें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ऑप्शन आप बी आपका सही उत्तर हो जाएगा जो कि सुमेलित नहीं है अगला प्रश्न है धुआं में आँखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक पदार्थ होता है देखिए ओजोन सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड या पैराक्सी एसीडाइल नाइट्रेट तो सही उत्तर क्या हो जाएगा सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी पैराक्सी पैराक्सी नाइट्रेट दोस्तों आप जान लीजिए कि पैराक्सी नाइट्रेट प्रकाश रासायनिक धुआं या फोटोकेमिकल स्मोक में उपस्थित एक द्वितीयक प्रदूषक होता है जो आँखों में जलन तथा उत्तेजना पैदा करता है और ये आँखों को प्रभावित करने वाला एक शक्तिशाली उत्तेजक पदार्थ है अगला प्रश्न है सूची एक का सूची दो से सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए इसमें राष्ट्रीय उद्यान और उनसे संबंधित राज्यों का मिलान करना है देखिए दोस्तों की राष्ट्रीय उद्यान याद रखिएगा नागालैंड में है बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है केबुल लाम जाओ मणिपुर में है और गोइंदी तमिलनाडु में स्थित है तो आप जान लीजिए कि तीन एक दो चार तीन एक दो चार देखिए तीन एक चार दो आप देख सकते हैं दोस्तों ये कौन सा ऑप्शन सी ऑप्शन आप आपका सही है अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पर स्थित है देखिए चंडीगढ़ भरतपुर गुड़गांव या गांधीनगर तो सही उत्तर है दोस्तों गुड़गांव में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जिसका पूरा नाम सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य रहा यह हरियाणा के गुड़गांव जिले में स्थित है अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण ग्रंथ लीलावती के लेखक कौन थे आपको बताना है लीलावती के लेखक कौन है ऑप्शन महावीराचार्य हेमचंदाचार्य भास्कराचार्य या कालकाचार्य तो सही उत्तर है दोस्तों भास्कराचार्य और आप जान लीजिए लीलावती की रचना प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ और खगोलशास्त्री भास्कराचार्य ने की थी और ये गणित विषय का महत्वपूर्ण ग्रंथ है और संस्कृत भाषा में काव्यात्मक शैली में श्लोकबद्ध है वस्तुतः लीलावती भास्कराचार्य द्वारा रचित ग्रंथ जो है सिद्धांत शिरोमणि का एक भाग है अगला प्रश्न है दोस्तों कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे तो इसमें मैं जानता हूं कि ऑप्शन बताने की आवश्यकता नहीं है आप जानते हैं 1916 सो में दोस्तों 1916 सो में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया ताकि संवैधानिक सुधारों की एक योजना अपनाई जा सके इसके फलस्वरूप जारी उन्नीस स्मरण पत्र में दोनों दलों के समकालीन राजनीतिक विचारों को साकार रूप दिया गया था आपके लिए एक प्रश्न है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता हुआ था 1916 अधिवेशन इसकी अध्यक्षता किसने की थी अगला प्रश्न है दोस्तों गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ऑप्शन देखिए मोतीलाल नेहरू मदन मोहन मालवी तेज बहादुर सप्रू या फिर चिंतामणि ने तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा टी बी सप्रू यानी तेज बहादुर सप्रू ने और आप जान लीजिए कि जब सभी ने अवज्ञा आंदोलन का विस्तार हुआ तो वायसराय इरविन ने देश में सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करने के उद्देश्य से 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया टी वी सप्रू और एम आर जयकर के प्रयत्नों से गांधी और इरविन के बीच फरवरी 1931 में दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई और 5 मार्च 1931 को दोनों के बीच एक समझौता हुआ जो कि गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है इस समझौते के परिपेक्ष में सरोजनी नायडू ने गांधी और इरविन को द टू महात्माज यानी दो महात्मा की संज्ञा दी थी अगला प्रश्न है किसने सबसे पहले ये स्थापित किया था कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं ऑप्शन है निकोलस कापरनिकस, जे केपलर सी गैलीलियो या डी इमैनुअल कांट तो सही उत्तर है सबसे पहले निकोलस कापरनिकस ने यह स्थापित किया था कि पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं तो कौन है कापरनिकस? अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है देखिए गढ़जात पहाड़ियाँ ओडिशा सही सुमेलित है इसके अलावा मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र ये आपका सही सुमेलित नहीं है क्योंकि मांडव पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में स्थित हैं नल्लाम्ला पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में और शेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित हैं याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन आप बी आपका सही सुमेलित नहीं होगा मांडव पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में स्थित हैं न कि महाराष्ट्र में विकल्प बी सही सुमेलित नहीं है गढ़जात की पहाड़ियाँ ओडिशा में हैं यहाँ पर गोंड जनजाति निवास करती है नलामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में और शेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं अगला प्रश्न है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार रखता है तो सीधे सीधे प्रश्न है भारतीय राज्य व्यवस्था का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 32। दोस्तों भारतीय संविधान के भाग तीन द्वारा जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनको परिवर्तित कराने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है और इस अनुच्छेद के खंड दो के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए विभिन्न रिट यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश प्रतिषेध अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण निकालने की शक्ति है अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को अपने राज्य क्षेत्र के संदर्भ में भाग तीन द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए विभिन्न रिट निकालने का अधिकार होता है तो आप जान लीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद बत्तीस और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत जो है दोस्तों रिट निकालने का अधिकार होता है अगला प्रश्न भी राज्य व्यवस्था से है देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाईओं की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है तो यह है आर्टिकल 122 टू टू, टू. देखिए दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच न किए जाने का प्रावधान किया गया है अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर किसको ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री को या विधि मंत्री को तो सही उत्तर क्या हो जाएगा सही उत्तर आपका हो जाएगा राष्ट्रपति यानी ऑप्शन बी आप जान लीजिए दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद एक सौ दो क के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित वारंट यानी अधिपत्र के द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करता है अगला प्रश्न है दोस्तों स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति या इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी है इसकी घोषणा कब की गई थी तो उत्तर है 1948 में याद रखिएगा ये तिथि थी 6 अप्रैल दोस्तों स्वतंत्रता के बाद देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी और इसी के द्वारा देश में मिश्रित और नियंत्रित अर्थव्यवस्था की नींव पड़ी थी अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि बधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष स्थापित किया गया था ऑप्शन है 1971, 1975, 1979 या फिर 1981। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 1975 दोस्तों आप जान लीजिए कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम 1976 में पारित किया गया था और इस अधिनियम की धारा एक के उपखंड तीन में ये प्रावधान है कि ये अधिनियम 25 अक्टूबर 1975 से प्रभावी माना जाएगा तो याद रखिएगा 25 अक्टूबर उन्नीस से ये अधिनियम प्रभावी माना गया अगला प्रश्न है शैक्षणिक संस्थाओं में आने वाले छात्रों को जितनी बाधाएं आएंगी उतनी अधिक अपेक्षाएं किससे होंगी परिवार से समाज से शिक्षक से या राज्य से होंगी तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों सही उत्तर है शिक्षक से देखिए शैक्षणिक संस्थानों में आने वाले छात्रों को जितनी बाधाएं आएंगी उतनी अधिक अपेक्षाएं एक शिक्षक से होंगी कि वह उनका निदान और निराकरण करने के साथ उपचारात्मक शिक्षा की ओर बढ़े और अगर एक बालक के अधिगम में बाधा आती है तो इसका मतलब है कि शैक्षिक विधियों में कुछ कमी है इसलिए बालकों की वैयक्तिक विभिन्नता रुचि करने की सीखने के बल देकर एक जो शिक्षक है वो शिक्षण को प्रभावी बना सकता है और इन सबसे बालकों में स्वतंत्र चेतना का जागरण होता है और अभिप्रेरित लर्निंग यानी अभिप्रेरित अधिगम को बढ़ावा मिलता है अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन दोस्तों गुणात्मक अनुसंधान की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है ऑप्शन देखिए वास्तविक स्थानगत परिस्थितियां प्रदत्त के प्रत्यक्ष स्रोत हैं दूसरा है कि प्रदत्त शब्दों या चित्रों का रूप ग्रहण करते हैं तीसरा है मापित सामाजिक तथ्यों के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास करना और चौथा है अनुसंधानकर्ता प्रघटना से संबंधित स्थिति वर्तमान या भूत में निमग्न हो जाता है तो सही उत्तर क्या है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मापित सामाजिक तथ्यों के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास करना और आप जान लीजिए क्वालिटेटिव रिसर्च की महत्वपूर्ण विशेषता मापित सामाजिक तथ्यों के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास करना नहीं है और आप जान लीजिए दोस्तों महत्वपूर्ण ये है कि गुणात्मक अनुसंधान में आगमनात्मक प्रक्रिया का पालन किया जाता है गुणात्मक विधि में ये चर्चा की जाती है या इस चीज़ की खोज की जाती है कि क्या कहाँ और कब के साथ क्यों और कैसे और इसलिए ये बड़े नमूनों के बजाय अक्सर छोटे नमूनों पर संकेंद्रित होती है और ये अधिक लचीला शोध है जिसमें चयन में अधिक स्वतंत्रता रहती है अगला प्रश्न है दोस्तों सी क्या होता है और ये कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित प्रश्न है सी का मतलब होता है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और ये एक प्रोसेसिंग डिवाइस होती है आप जान लीजिए ऑप्शन सी सही है सीपीयू यानी केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई ये एक प्रोसेसिंग डिवाइस है और प्रथम सीपीयू का विकास ये इंटेल कंपनी के द्वारा किया गया था अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी ईमेल सुविधाओं का उपयोग एक दूसरे को अपनी पहचान बताए यानी ईमेल आईडी बिना कई प्राप्तकर्ताओं को ईमेल भेजने के लिए किया जा सकता है देखिए स्टार्ड सब्जेक्ट सीसी या बीसीसी तो कौन सी मेल सुविधा का उपयोग एक दूसरे को अपनी पहचान बताए बिना कोई प्राप्तकर्ताओं को ईमेल भेजा जाता है तो ये है ब्लाइंड कार्बन कापी यानी बी दोस्तों ब्लाइंड कार्बन कापी ईमेल सुविधा का प्रयोग हम एक दूसरे को अपनी पहचान बताए यानी ईमेल बिना कई प्राप्तकर्ताओं को ईमेल भेजने के लिए कर सकते हैं अगला प्रश्न है दोस्तों हाल में किसने चवालीसवें शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारम्भ किया है तो उत्तर है 19 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चवालीसवें ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारम्भ किया और शतरंज ओलंपियाड रिले शुरू करने वाला भारत जो है ये पहला देश बन गया है अगला प्रश्न है दोस्तों हाल में उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया ऑप्शन देखिए नई दिल्ली लखनऊ शिमला या जयपुर तो सही उत्तर है शिमला दोस्तों शिमला हिमाचल प्रदेश में संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार और साहित्य अकादमी द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार के कला और संस्कृति विभाग के सहयोग से जून 2022 में उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया और ये देश का सबसे बड़ा साहित्य महोत्सव है अगला प्रश्न और आज की प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2022 में किसे 2021 के इकतीसवें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है ऑप्शन है ममता कालिया प्रोफेसर रामदरस मिश्र डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले या फिर वासुदेव मोती तो सही उत्तर क्या है दोस्तों रामदरस मिश्र ऑप्शन बी देखिए चार अप्रैल 2022 को के के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रोफेसर रामदरस मिश्र जो कि वरिष्ठ कवि और लेखक हैं उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए एक इकतीसवां सरस्वती सम्मान दिया गया और 1991 में के के बिरला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई है और ये सम्मान प्रतिवर्ष संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित किसी भी भारतीय भाषा में विगत दस वर्ष में जो है प्रकाशित भारतीय लेखकों की उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को प्रदान किया जाता है पुरस्कार के तहत प्रशस्ति पत्र स्मृति चिन्ह और पंद्रह लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो इसमें हमने उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया और दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी हद तक जो है परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं उनके स्तर का था और उसी पाठ्यक्रम के अनुरूप था जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा आप इन प्रश्नों को तैयार तो कर लीजिएगा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज़ को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार